आदरणीय मंच मंच पर उपस्थित सभी धर्मों के धर्मगुरु सामने बैठे मेरी बहने माताएं और भाइयों, आज सर्वधर्म सद्भावना कमेटी इस कमेटी समिति का काम ही यही है कि सर्वधर्मों के लोगों के साथ मिलकर सभी महापुरुष की जयंतियों को मनाया जाए। आज ज्योतिबा फुले जी का जन्मदिन है, ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन के ऊपर में आज हम सर्वधर्म के लोग एकत्र हुए हैं। इस सद्भावना समिति का कोशिश ही ये रहता है कि हम सब रल मिलकर ही ऐसे त्योहार मनाएं और ऐसे जयंतियां मनाएं जैसा कि आप बड़े प्यार से आप मना रहे हो। ज्योतिबा फुले जी अपने पेशे में एक माली का काम किया करते थे, पहले सतारा में रहते थे, वहां से निकले तो वह सीधे पुणे में आए और मराठी में इन्होंने शिक्षा लेनी चालू की। शिक्षा लेते लेते जात पात को लेकर इनको स्कूल से निकाल दिया गया। ये छोटी जात के हैं, स्कूल से निकले जब वो 21 साल के हुए, 21 वर्ष के, उन्होंने सातवीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की, वो भी इंग्लिश में की है। अपने जीवन में बहुत कष्ट सहने हुए, ब्राह्मणों ने बहुत कष्ट दिया, ब्राह्मणों का काम ही ये है। क्यों? इनका मकसद ये था, सुमित्री बाई फुले जी का भी यही मकसद था कि मैं ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करके अपनी बहु बेटियों को प्रण में लाऊं। उन्होंने सोचा कि ये तो जो हम चीज को काफी वर्ष से दबाते आ रहे हैं, ये तो काम वही होएगा, नीच जाति को पढ़ाई मिलेगी, जिनकी बहु बेटियों को हम घर से निकलने नहीं देते थे, कि तुम अपनी औरतों को अपनी घर वालियों को घर के अंदर ही रखो, अपनी बेटियों को घर के अंदर रखो, उनको स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सोचा जब ये नीच जात की बेटियां, नीच जात के लड़के लड़कियां जब स्कूल जाएगी, पढ़ लिख कर कुछ शिक्षा प्राप्त करेगी, तो हमें पीछे रहना पड़ेगा, ये आगे हो जाएंगे। इस करके ज्योतिबा फुले को स्कूल में शिक्षा और इनको महात्मा फुले को इन चीज से दूर रखा जाता था। लेकिन हमारे साथ हमेशा जाती हुई है, परंतु ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी, बाबा साहब को इनकी विचार बहुत अच्छे लगते थे, उन्होंने इनको अपना गुरु समझा, उनकी विचारधारा को लेकर बाबा साहब ने
आगे आकर बुद्ध धर्म की बहु बेटियों का एक मूल मंत्र दे दिया। वो मूल मंत्र कौन सा है आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर पढ़ लिख कर कुछ आप पढ़ना चाहते हैं तो मूल मंत्र है आपकी शिक्षा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मूल मंत्र हम लोगों ने अपनी झोली में डाला बाबा साहब से लेकर हम स्कूल जाना चालू किया। हमने पढ़ाई हासिल की, पढ़ाई हासिल करने के बाद में आज मेरे बुद्ध धर्म की बहु बेटी है। मेरे भाई कोई बैंक मैनेजर है, कोई रेलवे में उच्च अधिकारी है, कोई रेलवे स्टेशन मास्टर है। आज हमारे ही बुद्ध धर्म के लोग टीचर हैं जो कि बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये बाबा साहब ने उनकी महात्मा फुले जी के विचार को मन में धारण किया और आप स्वयं सामने आए, अपने सामने हमारे सामने बातें रखी तो आज हम इस जगह पर बैठे हैं। आज हम अगर यहां पर बोलेंगे तो एक ही बात बोल सकते हैं। पंजाबी में बोलते हैं मानस की जात सब एक हो पहचान। हम सब मानस की जात है, हम एक हैं। धर्म गुरु सब बाद में हैं, मां के पेट से जन्म लिया तो हम कोई धर्म नहीं देखा था। ये बुद्ध धर्म आ गया, सिख धर्म आ गया, ईसाई धर्म आ गया, मुसलमान धर्म है, हम सब एक हैं। ये परम बहन जो डाले हुए हैं ये सब धर्मों ने आपको अपने स्वास्थ्य रोटियां पापड़ सेकने के लिए बनाए हुए हैं। अब ये चीज को ध्यान से बाहर निकाल दो, हम एक हैं। आज ये जो मंच के ऊपर में सर्व धर्मों के लोग दिख रहे हैं ना, ये एक मैसेज बहुत बड़ा जाता है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ हर मंच के ऊपर में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हम सब भाई हैं। हम सब पूरे दुनिया के कितने लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, इस चीज को मानना है हमें। हमारे इस सर्वधर्म सद्भावना समिति को इस महीने की 24 तारीख को एक वर्ष हो रहा है। अब्दुल बसीर साहब, मैं थोड़ा संभालूंगा शक्ति साहब दो मिनट और। अब्दुल बसीर साहब महेंद्र बांते जी हमारे स्वयं मैं सीपी ऑफिस का नए का उद्घाटन होना था। एक दिन पहले हम सीपी ऑफिस में गए, वहां पर इसका नाम रखा गया। हमने सोचा कि हमने काम करना है, सब धर्मों को एक मुठ करना है। जैसा अंगूर होता है, अंगूर देखो गुच्छे में कैसे रहता है, ऐसा हम उसको तोड़कर खाते हैं, तो अंगूर की तरह हमने एक मुठ रहना सीखना है। संतरे की भाड़ियों की तरह एक मुठ रहना सीखना है। तो क्यों ना एक मंच खोला जाए जिसके अंदर में सर्व धर्मों के लोग हम काम करें। तो सीपीओ बैठे बैठे सर्वधर्म सद्भावना समिति का गठन कर दिया गया। वही बैठे बैठे अब्दुल बसीर साहब को प्रेसिडेंट बना दिया गया, वही बैठे बैठे इनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, महेंद्र बांते जी को। तो वहां कमेटी, पूरी कमेटी का गठन हो गया। तो तुरंत उसी वेले हमारी ये सद्भावना कमेटी ने, समिति ने सीपी का अगले दिन स्वागत कर दिया। हमारी शुरुआत इस मंच ने ऐसे किया। सो भाइयों और बहनों, अकेले आए थे, अकेले जाना है। ये
आपके जो घर पक्के बनाकर बैठे हैं, ये आपके घर पक्के आपके नहीं है। ये हमारी जो शरीर है ये भी हमारा पक्का घर नहीं है, हमने यहां नहीं रहना, इसको भी छोड़ देना है। तो यही आपने सोचकर चलना है, यहां हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप है, काओ ना लागे मेरा। कहने का भाव, हमने आपको अपने धर्म में रहते हुए अपने गुरु की वाणी का नाम लेना है, गुरुद्वारे जाना है, भादिया करना है, हमने जाकर चर्च जाना है, बाबल पढ़नी है, गुरुद्वारे जाना है, हम सुखनी साहब जपजी साहब का पाठ करना है, बुद्ध वंदना करनी है, बुद्ध विहार में जाकर। ये सब चीजें आपके मरने के बाद आपसे भी पहले वहां पहुंच जाएगी, इन्हीं चीजों ने आपको वो वहां जाकर सही जगह रखना है। ये बाहर की दुनिया है जहां आप आए हैं, जगत तमाशा है, ये जो देख रहे हैं आप आकर, ये जगत का तमाशा है, जहां हम बैठे हैं ना ये सब देख रहे हैं दुनिया में, लेकिन हमने जगत का तमाशा, ये बाहर की दुनिया, एक अंदर की दुनिया है, वहां कितना सुख मिलता है, वो बाहर की दुनिया में जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे धर्म को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, आप धर्म में बहु बेटी को अच्छा प्यार दे सकते हो, अच्छा मार्ग दे सकते हो, सच्चाई पे चलने का आप रास्ता पकड़ सकते हो, तो ये चीजें सब आपके जानी है। सद्भावना समिति इसी चीज के लिए बनाई गई है कि आप लोग एक साथ मिले और इस चीज को लेकर चले। आज हमारा नागपुर शहर में काफला बन रहा है धीरे धीरे, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमें भी सद्भावना समिति में जोड़िए, हमने जोड़ना चालू कर दिया है, ऐसे मीटिंग लेना चालू कर दिया है, ऐसे हम हर महापुरुषों की जयंती मनाना चालू कर दिया है, कोई ना कोई जरिया चाहिए धर्म सब धर्मों को करने के लिए। तो जरिए ज्योति बापू को जैसे, अशोक सम्राट जैसे, तो ये सब चीजों को लेकर हम नाते रहेंगे तो हम सब एक रहेंगे। वहम भ्रम भाव सब दूर कर लेना है, यही सोचकर चलना है, हम सब एक हैं, एक होकर चलना है, यही प्रेरणा मिलती है हमको सर्वधर्म सद्भावना समिति से। हमने इस मंच में एक साल हो गया, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं सीखता हूं, मैं अपना कभी ज्ञान नहीं बांटता, ना मुझको कुछ आता है ना मुझे समझ है। आज मैं यहां खड़ा होकर बोलता हूं, ये सब आप लोगों के कारण बोलता हूं कि मैंने आपसे सीख लिया है, आपसे ही सीखा है। धर्म का प्रचार किया है, 28 साल हो गए हम धर्म का प्रचार करते हैं, 28 सालों के बाद में अगर आज हमें मौका मिला है सभी धर्मों का प्रचार करने के लिए, तो जैसा सद्भावना समिति की ओर से मिला है, क्योंकि सर्व धर्म के लोग आप ही हो, आप ही हो भारत का नक्शा जो जहां बैठे हो, तो मिलकर चलना है। मैं यहां एक बात और बोल देता हूं, आने वाली 16 तारीख को हमने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जय भीम रैली निकालना है, वो रैली निकलेगी रानी दुर्गावती चौक, क्या नाम है उसका, मेहंदी बाग कॉर्नर से, हम सब इकट्ठे वहां इकट्ठे होंगे, वहां से आवले बाबू चौक जाना है, सर्व धर्मों के लोग रहेंगे इस रैली में, और आवले बाबू चौक में सर्व धर्मों के लोगों ने वहां आपको अपनी स्पीच रखना है, आपको अपने विचार रखने हैं, वहां जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बाबा साहब का जो देन है हमारे सारे पूरे धर्मों का जो उन्होंने दे दिया है, हम इसका जो सात जन्म लेकर भी पूरा नहीं कर सकते, क्यों, बाबा साहब ने सभी धर्मों को सरदार
संसार में रखते हुए सभी धर्मों का सत्कार किया है। तो इसराइल में हम सब आएंगे, और हमें यकीन नहीं था कि हमारे बीच में सुखविंदर सिंह जी आएंगे गिल साहब, और हमारे बाबा बुड्ढा जी गुरुद्वारे कमेटी में संगत के साथ मिलकर जो हम कमेटी बनाते हैं ये वो गठन करते हैं, दो साल कमेटी चलती है। सो ऐसे महान व्यक्ति इनके आज हमें यहाँ वचन बोल सुनने को मौका मिला, बहुत अच्छा बोलते हैं, वह भी इस सर्वधर्म मंच के साथ जुड़े हैं, और हमेशा ये मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कार्यक्रम ऐसे अटेंड कराए करेंगे। और हमारे बीच में मकीर सिंह भल साहब ने आना था, कुछ कारण उनको ऐसा काम पड़ गया कि वो वहाँ आगे सामने वाले मीटिंग अटेंड करना जरूरी था कि वो छोड़कर नहीं आ सकते। उनके बारे में अगर नाम आता है बुड्ढा जी नगर में तो सुखविंदर सिंह गिल साहब है, इनका नाम दिया तो हमने बेनती किया। 12 बजे का कार्यक्रम था, 11:30 बजे मेरा कॉल किया इनको, इन्होंने स्वीकार किया, बोलते सैन साहब आप टेंशन ना लो हम आ जाएंगे। महेंद्र जी का कॉल किया, इन्होंने भी ऐसे बोला हम आ जाएंगे, तो आज हमारे बीच में है। तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, मैं एक शब्द दो शब्द और बोलूंगा। जब हमारे सबका स्वागत कर रहे थे ना, जब फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि जो दीवा फूले खुद आकर हमारा स्वागत कर रहे थे। क्यों? उनका ये फूलों का ही काम था, उन्होंने पता नहीं कितने गुलदस्ते, कितने हमारी बहनों को बालों में जो गजरा लगाते हैं कितने बेच दिया, कितने लगा दिया, बिल्कुल कम कीमत में वो धंधा किया करते थे। और हमारे बीच में महेंद्र बांते जी हैं, सबका स्वागत किया हमने यहाँ, महेंद्र बांते जी का स्वागत नहीं हुआ। मैं दो व्यक्तियों का यहाँ स्वागत और करना चाहता हूँ, एक महेंद्र बांते जी, दूसरे हमारे सुजाता बुद्ध विहार के प्रेसिडेंट, मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त रामदेव के साथ। आपका स्वागत तो हमारे सर्व धर्म सद्भावना समिति करेगी, ये हमारी कमेटी कर रही है आपको, सद्भावना सर्वधर्म समिति। और मैं चाहूंगा कि कुमार सोमपुर जी, ओम प्रकाश साहू जी, सुखविंदर गिल साहब और पारा साहब, इन चारों जने आइए, रामटे जी साहब आइए, आइए रामटे साहब सामने इधर मंच पर आइए। हाँ आप छात्र सीट हमारे किधर बैठे हैं, आइए आइए आइए, मुकील भाई आप भी आइए आइए सर, आओ इनका स्वागत करेंगे हम आज। जोरदार ताड़ियों से। और इसके साथ में महेंद्र बनते जी, जिन्हों की मेहनत पूरी नहीं रहती है, हम तो खाली बोलने के लिए मंच पर आ जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप भी सामने आए, आपका भी स्वागत ये सब लोग करेंगे। हाँ इनके साथ में आप साथ में रहेंगे। हाँ थैंक यू, मेहरबानी।